प्रदेश में बीते 24 घंटों से ताज़ा कोरोना अपडेट आई है दोस्तों, जिसमें आज भी 4,509 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 5,406 मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो दूसरी ओर 19 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीते 24 घंटों में 19 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 31,074 हो गई है। और वहीं प्रदेश में आज 45,626 नए सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 4,509 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तो आइए जानते हैं जिलेवार कोरोना मरीजों की संख्या। इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल CG36 न्यूज पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डेली के नए नए अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हम आपके भी ज़िले से जुड़ी सभी जानकारियाँ दे सकें। तो चलिए बात करते हैं जिलेवार कोरोना मरीजों की संख्या की। तो राजधानी रायपुर में मिले हैं 957, दुर्ग में मिले हैं 710, बिलासपुर में है 168, राजनांदगांव में मिले हैं 337, बालोद में 125, बेमेतरा में 62, कबीरधाम में है 42, धमतरी जिले में है 129, बलौदाबाजार जिले में मिले हैं 54, महासमुंद में है 78, गरियाबंद में है 30, रायगढ़ में 197, कोरबा में है 165, जांजगीर चांपा जिले में है 321, मुंगेली में 27, गोरेला पिंड मरवाही यानी कि GPM में है 48, सरगुजा जिले में है 136, कोरिया में है 76, सूरजपुर में है 79 और बलरामपुर जिले में है 20, जसपुर में है 48, बस्तर में 169, कोंडागांव जिले में मिले हैं 148, दंतेवाड़ा में है 50, सुकमा में 55, कांकेर में 175, नारायणपुर जिले में 20 और बीजापुर जिले में मिले हैं 83 नए कोरोना मरीज। तो ये रही दोस्तों बीते 24 घंटों की ताज़ा कोरोना अपडेट, प्रदेश से जुड़ी ताज़ा अपडेटें। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।